हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे आप सब लोग, वीडियो आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो भाई अभी बज रहे हैं 8 और फाइनली आज घर में सब कुछ है, लाइट है, पानी है और सब। आज मतलब 2 दिनों के बाद नहा रहे हैं और सबसे पहले अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। मम्मी अभी कपड़े धो रही क्योंकि 2 दिन से वही पहने हैं, बेडशीट सारी बदल दी है। मम्मी को सब कुछ गंदा लग रहा है घर में, इसलिए मम्मी सब कुछ सफा कर दिया है। अभी मम्मी ने कुछ सामान मंगाया था तो दुकान से सामान ले आए और चलते हैं घर, नहाते हैं, धोते हैं। अंशु की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो अभी अंशु ऑनलाइन क्लासेस कर रही है। तो 2 दिन से रो रही थी कि मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन एकदम से ही मैसेज आया कि मतलब ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है, ऑफलाइन बंद हो गई है, तो वहीं पर उसका पोपट हो गया है। गाइस मैं नहा चुका हूँ और अभी अंशु गई है नहाने के लिए, तो अभी धीरे धीरे करके सब एक एक करके नहा लेंगे। सॉरी यार, कल का ब्लॉग नहीं आ पाया। अब क्या होता है कि जब पानी और लाइट नहीं रहेगी तो मैं कैसे ब्लॉग बना पाऊँगा। कल लाइट भी नहीं थी, इन्वर्टर भी डाउन हो गया था और फिर पूरे घर में अंधेरा अंधेरा था, तो मैं कैसे बनाता ब्लॉग। और फ़ोन भी चार्ज नहीं था पूरा। तो अभी सारा चीज़ सही हो चुका है तो अब जाके अपना डेली ब्लॉग्स करेंगे। पहले यार आप मौसम देखो यार, कितना ख़राब है यार, क्लाउडी सा, ऊपर से बारिश भी होती है। तो भाई अंशु नहा के आ चुकी है और मम्मी के भी कपड़े धुल चुके हैं। मम्मी हाय कर दो। हाय, क्या बताऊं दोस्तों, 3 दिन बाद नहाना है मुझे। ये जिंदगी में फर्स्ट टाइम है अपन ना को अपन से है भैया। तो गाइस मुझे अच्छा लग रहा है 2 दिन के बाद नहाने में और मेरे को बहुत फ्रेशनेस वाली फील हो रही है। तो भाई अभी बज रहे हैं 12 और सभी लोग नहा चुके हैं। मम्मी पूजा करके कपड़े धो के सब निपटा के अभी खाना बना दिए और इस महारानी को देखो, ये चाय घटका रही है अभी। और अंशु भाई अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर रही है। यहाँ पे मम्मी खाना बनाने की तैयारी कर रही है। यहाँ पे दाल है और यहाँ पे तड़का लगाया जा रहा है। ज्योतिष में कहते हैं पुनर्जन्म, वही आज फील आ रहा, 2 दिन बाद नहा के मेरा पुनर्जन्म हो गया। यहाँ पे देखो इतने सारे कपड़े धोए हैं मम्मी ने आज। ये वाली अंदर वाली तार भरी हुई है, उस कुर्सी में भी सारे कपड़े हैं और यहाँ पे सारे, यहाँ पे इस, ये जो है ना एक ग्रिल, इस पे भी लटका रखे सारे कपड़े। और ये 3 तार हैं यहाँ पे, ये सारी भरी हुई है। इतने सारे कपड़े धोए आज मम्मी ने, पूरी भरी हुई है यहाँ से यहाँ तक। फाइनली चलो थोड़ी सी धूप तो निकल गई है। तो भाई अभी हम कर रहे हैं डिनर और डिनर में है दाल चावल और भाई मम्मी अभी निकाल देंगी वो कोकोनट ऑयल है जो अंशु अभी अपने प्लेट में डाल के खाएगी। खुशी से दे रही हूं आज। मम्मी यार खुशी मुझे भी तो मिलनी चाहिए थोड़ी सी। नहीं तेरे पास बहुत है, वो कटोरा कहाँ है फिर। मम्मी मुझे भी खुशी मिलनी चाहिए यार। नहीं बहुत है मम्मी, इसकी खुशी ले, हां खुश हो जा। मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है। अभी मेरा भैया सोया हुआ था, अब ये उठ गया है तो इसको देखो। कल हमारी वीडियो आई नहीं थी क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रीज़न कि हमारे घर में जो थी पानी की मोटर भी ख़राब थी और इलेक्ट्रिसिटी भी ख़राब थी। और इसी बीच मैं फिजिक्स में चैप्टर 4 पढ़ रही थी, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो सर ने मुझे सिखाया था कि अगर आपके घर में 1500 वाट का हीटर है तो बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि उसको एक बार यूज़ करके ही आपको 900 का से 1000 तक का बिल भरना पड़ सकता है, सर ने बताया था। सॉल्व करके बताया था भैया, मैं उनके फ़ायदे के लिए बोल रही थी। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। और दूसरी बात, इसकी उबासी लेते समय इसकी शक्ल कैप्चर नहीं कर पाई मैं, आई एम सो सॉरी। तो मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, लाइक कल क्या हुआ था। लाइक हाँ, वो जो कुत्ते के बिस्किट हमने खरीदे थे ना, वो अभी आधे रह रहे हैं, तो कल रास्ते में साक्षी वही खाने वाली है, तो हम उसको चाय के साथ वही बचे हुए कुत्ते के बिस्किट देंगे। और साक्षी के खाने में अक्सर भैया हाथ जरूर मारता है, तो भैया भी उसमें से थोड़े से खा लेगा। थोड़े से उसमें से भी कुत्ते के बिस्किट खा लेगा। तेरा तो लाल टपकता है। मैं तो, मुझे बिस्किट पसंद नहीं है ब्रो, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे साक्षी ढोंग मचाते हुए, और ये देखो भाई मम्मी ने आटा गूंद लिया है, देखो कितना सा आटा गूंदा है, आप समझ रहे हो ना, इतना आलस। और यहाँ पे अंशु भाई अभी सोई हुई है, जस्ट अभी 5 बजे सोई है, ये देखो भाई सो रही है।
और वहाँ पे भाई हमने अपनी कॉपी पेन फोन लैपटॉप सब निकाल लिया है क्योंकि आज हमारा अटल विश्वास है कि आज हम पढ़ के रहेंगे और साथ से भी वो तो मचा ही रही है। तो भाई आज हमने भाई ये 3 पेज काम किया है, इन्हें समझा है, इन्हें पढ़ा है और अभी मम्मी ने भाई डिनर करने को बुलाया है तो डिनर करने चलते हैं। तो भाई डिनर में है दाल है, रोटी है और सैलेड में प्याज है। अरे अंशु तो चावल खा रही है, उठते ही ये खा देती है चावल, प्याज में रोटी खाई जा रही है, मतलब रोटी में प्याज खाया जा रहा है। तो भाई अभी खाना खा लिया है और स्टडी को करते कंटिन्यू क्योंकि यार अपने अब यूनिवर्सिटी के पेपर आने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं और यार पढ़ाई कर लेते हैं, आज सोना ज़रूरी है। तो गाइस वीडियो एडिट हो चुकी है और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं आने वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।